सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। आपका साथ, आपका विश्वास हमारी ताकत एविन है। आपका प्यार हमें हर झूठ, हर बुराई से लड़ने की हिम्मत देता। आप जानते भी नहीं हम आपसे कितना प्यार करते। तुम यहाँ? तुम सिद्धि नहीं, तुम मेरी सिद्धि की कातिल, उसकी हम चकलो बहरूपिया। मुस्कुरा क्यों रही हो? पागल पागल हो क्या? मुस्कुरा नहीं रहे विनय, बस प्यार आ रहा है, बहुत सारा प्यार। आपके उस गुस्से पे जिसमें हमारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार बस है। प्यार? प्यार नहीं करता मैं तुमसे, नफरत करता हूँ। नफरत? प्यार तो सिर्फ अपनी सिद्धि से करता हूँ, वो भी हद से ज्यादा, और मरते दम तक करता रहूंगा। झूठ क्यों बोल रहे हैं मैंने? कल रात तो आप कुछ और ही कह रहे थे, नशे की हालत में। क्या क्या बोला मैंने? प्यार में डूबे इंसान की वो बातें जो उसने किसी को अपनी बाहों में लेके कही हो, वो बोला हम कैसे दोहरा सकते हैं? शर्म आती है हमें। क्या मतलब तुम्हारा? और क्या बोला मैंने नशे में? अब वो बातें, वो फीलिंग्स बता तो नहीं सकते, लेकिन आप कहें तो करके दिखा सकते हैं। एक मिनट। बंद करो अपने ड्रामा और साफ साफ बताओ क्या हुआ हमारे बीच कल। विनायक, जो हो गया सो हो गया, अब बताने से या छुपाने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब क्या क्या बताएं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, कभी नहीं हो सकता। हमारी आंखों में देखे विनायक, पहचानी हमें, क्या आप हमें एक मौका नहीं देंगे हमारी बात कहने का, हमारा सच साबित करने? मौका चाहिए ना तुम्हें? मौका चाहिए? ठीक है, दिया मौका, बोलो क्या बोलना है। ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान से देखिए विनय, आपके सिद्धि की गर्दन में भी एक काला दिल था, याद है आपको? बताइए विनय, क्या आप भी, आपको हम पे यकीन नहीं, क्या आप भी, आपको लगता कि हम आपकी सिद्धि कोई और? कैसे हुआ? निशा भाभी, प्लीज दवाई लेके आइए। माया, कैसे हुआ ये? अरे बेटा, ये बेचारी क्या बताएगी, ये तो खुद दर्द से तड़प रही है। अरे हम बताते तुझे कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। कहना क्या चाहती बुआजी? ये है हमारी माया रानी की इस हालत की जिम्मेदार, इसने किया है ये सब कुछ।
तो बहुत हो रहा होगा ना तुझे, कि हमारे माया रानी अभी भी सही सलामत है, जिंदा है, जल के भस्म नहीं हुए। अरे हम तो तेरे आगे हार गए हार गए। आखिर चाहती क्या है तू? पहले हमारे आलीशान घर को हड़प चुके, अब हम सबकी जान लेना चाहते थे। ओहो शिव 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 सुषमा, ये बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हो? सीधा सीधा बताओ ना, हुआ क्या है? साफ साफ बताते हैं मां, साफ साफ ही बताते हैं। दरअसल ये लड़की आपकी लाडली बहू सिद्धि की खूनी है। और अब ये हमारी प्यारी माया रानी की जान भी लेना चाहती है। झूठ बोल रहे हैं बुआ जी, इल्जाम लगा रही है हम पे। हम सब झूठे हैं, सच्चाई की देवी तो तू इकलौती ही है ना? हम अच्छी तरह से जानते थे कि तू हमें झूठा साबित करने की कोशिश करेगी, इसीलिए इस बार अपनी बात को सच साबित करने के लिए हमारे पास सबूत है। सबूत? बुआ जी कैसा सबूत? अभी दिखाते हैं विनो। फोन, ये रहा हमारा फोन। देखिए माँ, देखिए। शिव 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 शिव। गाली करतूत हमने रिकॉर्ड कर लिया, तुम भी देखो निशुरानी। मैनू बेटा तुम भी देखो। और तू, ये तू ही है ना? देख, हाँ, पहचान खुद को। और अब बता। कि ये वीडियो सच कह रहा है या तू? माँ, अरे पहले तो इसने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और उसके बाद चुपचाप रसोई में जाके गैस के पाइप काट दिए। और माँ, कुकर के साथ भी इसने कुछ किया। और उसके बाद हमारी भोली भाली माया रानी से फरमाइश करने लगी कि जा हमारे लिए हमारा मनपसंद खाना बना के लिया। ये चाहती थी कि माया रानी जैसे ही रसोई में जाके गैस चलाए, उसे धमाके में। माँ, वो तो हमारी माया रानी की किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। ये पैरुपिया, ये बहुत खतरनाक है माँ। दादिया ये सब चुप। जो लड़की किसी दूसरे इंसान के प्राण लेने का प्रयास करे वो हमारी सिद्धि हो ही नहीं सकती। पीनू, तूने बिल्कुल ठीक कहा था, शक्ल इसकी जरूर सिद्धि जैसी है, लेकिन ये बहरूपिया है, लुटेरी है, ये हमारा घर हम सबको लूटने आई है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम किसी की जान लेने की कोशिश कैसे कर सकती हो? विनायक, हमारा यकीन कीजिए, उस वीडियो में हम नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी तुम? उस दिन फोटोज में तुम नहीं थी, आज वीडियोज में तुम नहीं हो, तो तुम कहाँ हो? तुम तो तुम ही हो ना, या फिर तुम भी कोई और हो? अब बस, हमारी माया रानी को जला के मारना चाहती थी ना, इसे तो हम सबक सिखाएंगे। ये ले। थैंक यू विनय, हम पे यकीन करने के लिए। हम जानते थे कोई और हम पे यकीन करे या ना करे, आप जरूर। बस, मैंने बुआ जी को रोका है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूं।
मेरी सिद्धि कभी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जान लेना तो दूर की बात है, पर एक तुम जो एक के बाद एक मेरे घर वालों की जान लेने पे तुली हो। लेकिन एक बात याद रखना, खूनी चाहे जितना चालाक हो, उसको उसके की सजा मिलकर ही रहती है। कमाल है माया, तुझे तो साजिश और बढ़िया प्लानिंग सिखाने का स्कूल खोलना चाहिए। जरा सा हाथ जला के तूने तो सिद्धि की पूरी खुशियां ही जला डाली। हाय हाय, ये नौकरानी महारानी कमबख्त चोरों की तरह से रसोई की तरफ क्यों जा रही है? देखना पड़ेगा। लगता है ये कमबख्त कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। माँ को दिखाएंगे इसकी सारी करतूत। आज की बात, इस घर में किसी भी औरत के मान सम्मान के साथ या उसकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जब तक मैं हूं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। जरूर यह सब माया की चाल का हिस्सा है। वो हमसे जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती, कुछ भी कर सकती। तो बिल्कुल सही सोच रही है सिद्धि, ये सब हमने ही किया है। क्या है ना, विनायक को तुझसे छीनने के लिए हम अपना हाथ तो क्या इस पूरी दुनिया को जला सकते हैं। कितने भी खेल खेल ले माए, लेकिन अब तेरे हर झूठ से पर्दा हटने का वक्त आ गया है। बहुत जल्दी एक ऐसा सबूत हमारे हाथ लगने वाला है जो तेरी असलियत सबके सामने लेके आएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी दूसरी औरत ने एक पत्नी के पति को उससे छीनने की कोशिश की, तो हार हमेशा दूसरी औरत की ही हुई है। तू हमारे सुहाग और हमारे सिंदूर को कभी हमसे अलग नहीं कर पाएगी माए। कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलना चाहिए हमें। हो ना हो, नकली फोटोज और रिपोर्ट्स के पीछे माया का ही हाथ। कोई ना कोई सबूत तो जरूर उसने छोड़ा होगा। एक बार सबूत मिल जाए तो हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हेलो जी इंस्पेक्टर। सिद्धि, उस लैब का पता चल गया है जहाँ पे तुम्हारी ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई गई थी, कृष्णा लैब। और उस रिपोर्ट को बनाने वाले का नाम है गोविंद गुप्ता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। लोकेशन भेज रही हूँ, जाके मिलो इस गोविंद गुप्ता से।
और हाँ, अपना ध्यान रखना और कोई भी खतरा नजर आए तो तुरंत मुझे फोन करना। जी शुक्रिया। और कितना टाइम लगेगा वकील साहब? अपने काम तो शुरू करवा दिया है ना? हाँ हाँ माया जी, व्यक्ति के साथ साथ आप बाकी की प्रॉपर्टी भी बेचना चाहती हैं, अब इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? टाइम ही तो नहीं है हमारे पास वकील साहब। सिद्धि अपने आप को साबित करे, उससे पहले हमें पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर विनायक के साथ इस देश को छोड़कर बाहर जाना है। अरे माया जी, आप समझ ही नहीं रही हैं। विनायक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सिद्धि के नाम कर दी है और ये प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिद्धि के साइन चाहिए। बिना उसके ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हमें ना बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जाके कोई दूसरा रास्ता निकालो। जाओ। सिद्धि सिद्धि सिद्धि, पता नहीं हमारी जिंदगी से कब जाएगी ये सिद्धि। गोविंद जी, गोविंद जी, कोई है? हमने पूछा कोई है? लगता है कोई नहीं। रिपोर्ट्स यहाँ कैसे आए? तुमने जो कहा था वो कर दिया है। मैंने ऐसी जगह रखा है उसे जहां से वो तुम्हारे सच तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। जीते जी तो हम पेपर्स पे तेरे साइन नहीं ले सकते, लेकिन तेरे मरने के बाद हम तेरे अंगूठे के निशान तो ले ही सकते हैं। बस एक बार तेरे अंगूठे के निशान मिल जाए, उसके बाद हम विनायक के साथ पूरी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए पर रो जाएंगे। वाह माया वाह, क्या तरीका ढूंढा है तूने अपनी सावली और सौतेली बहन को मारने का। अब वो डीप फ्रीजर में दम घुटने की वजह से पक्का मर जाएगी और
उसी के साथ हमारी जीत भी पक्की हो जाएगी। खोलो, प्लीज खोलो, प्लीज हमें बाहर जाने दो। विनायक, खोलो, विनायक, विनायक प्लीज बचाइए हमें, खोलो। ये पेपर्स पूरे खिले हो गए, प्लीज हमें बाहर निकालिए। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। तो पूरी तरीके से जम चुके हैं। इसी हालत में अंगूठे के निशान सही से प्रॉपर्टी के पेपर्स में मिल नहीं पाएंगे, और अगर निशान सही से नहीं मिले तो हम प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये सिद्धि, मरती ही नहीं है, हर बार हमारे वार से बच जाती है। और आज जब सचमुच ये मरने वाली थी तब हमें इसे बचाना पड़ रहा है। क्या करें? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.